Hello everyone, welcome in the online classes of Shivaji Group of Institutions. So today I am going to explain topic tracing evolutionary relationships. As you all know that nowadays I am explaining lesson heredity and evolution. So today's topic is tracing evolutionary relationships. That means जो इवोल्यूशन का रिलेशनशिप है, दो ऑर्गेनिज्म जो इवोल्यूशन से अब डिफरेंट हो गए बट पहले सिमिलर थे, उनके रिलेशनशिप को हम किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू ग्रुप्स एट द लेवल ऑफ देयर एंसेस्ट्री एंड ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी सिमिलर इन नेचर ऑफ कैरेक्टर्स हैव क्लोज कॉमन एंसेस्टर्स एंड विच हैव क्लोज कॉमन एंसेस्टर्स हैव क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव लेस सिमिलरिटी. That means they have weak relationship. Therefore, weak relationship means distant common ancestors. So students, पहली बात तो refers करता है closeness two group की उनके ancestry के basis पे. दो groups आपस में कितने close हैं each other पे ये depend करता है उनके ancestors पे. That means उनके पहले जो generation थी, जो उनके parents थे, उनके भी parents थे, इस पे ये बात depend होती है. Refers to the closeness of टू ग्रुप्स एट द लेवल ऑफ देयर एंसेस्ट्री. जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये एंसेस्टर्स पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट थिंग, ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी सिमिलर इन नेचर ऑफ कैरेक्टर्स. अब कैसे पता करेंगे कि ये पहले एंसेस्टर्स कॉमन थे या नहीं थे? तो ये हमें पता चलता है कैरेक्टर के नेचर से. उस कैरेक्टर जो हम दो ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उन दोनों के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. जब हम उनके नेचर को ऑब्जर्व करेंगे तो अगर हमें उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलती है, बच्चा वेरी सिमिलर, दैट मीन्स कि उनके कॉमन एंसेस्टर्स थे जो कि बहुत क्लोज थे, जैसे क्लोज कॉमन एंसेस्टर्स उसमें प्रेजेंट थे. कब? जब दो ऑर्गेनिज्म जिनका इवोल्यूशन ट्रेस कर रहे हैं दोनों के नेचर ऑफ कैरेक्टर्स सिमिलर है, दैट मीन्स कि उनके एंसेस्टर कॉमन थे और ना सिर्फ कॉमन थे फिर क्लोजली कॉमन थे. और जो क्लोज कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी क्लोज होता है. क्लोज कॉमन एंसेस्टर्स हैव क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं इसके जस्ट डिफरेंट फेज की, इन विच ऑर्गेनिज्म विच हैव लेस सिमिलरिटी. अभी हम बात कर रहे थे कि नेचर ऑफ कैरेक्टर सिमिलर थे, बहुत ज्यादा सिमिलर थे, इस वजह से उनके एंसेस्टर्स भी कॉमन थे. बट अब केस डिफरेंट हो गया, नाउ दे हैव लेस सिमिलरिटी एंड जब सिमिलैरिटीज कम है दैट मीन्स कि उनका रिलेशनशिप वीक है, दे हैव वीक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. नाउ अब अगर वीक रिलेशनशिप है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? दैट दे हैव डिस्टेंट कॉमन एंसेस्टर्स. यहाँ पे क्लोज कॉमन एंसेस्टर्स है मतलब बहुत पास के थे, यहाँ पे डिस्टेंट मीन्स बहुत दूर के हो गए. कॉमन एंसेस्टर्स हो सकते हैं बट उसमें डिस्टेंट और क्लोजनेस का डिफरेंस है कि यहाँ पे क्लोज कॉमन थे और यहाँ पे वही एंसेस्टर डिस्टेंटली कॉमन हो गए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलॉगस कैरेक्टर्स. व्हाट आर होमोलॉगस कैरेक्टर? होमोलॉगस कैरेक्टर्स आर द कैरेक्टर्स व्हिच हैव सिमिलर बिल्डअप प्लान बट डिफरेंट इन फंक्शन. जिनका हमने आपको पहले होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में बताया, सिमिलर वही चीज है यहाँ पे कि जिनका बिल्डअप प्लान तो सिमिलर है बट फंक्शंस कैसे हैं? डिफरेंट है. अगर फंक्शंस डिफरेंट है, बिल्डअप प्लान सेम है, दैट मींस दीज आर होमोलॉगस ऑर्गन्स. एंड एनालॉगस ऑर्गन्स आर जस्ट डिफरेंट ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स. इन एनालॉगस ऑर्गन्स फंक्शंस आर सिमिलर बट दे हैव डिफरेंट बिल्डअप प्लान. यहाँ पे बिल्डअप प्लान डिफरेंट हो जाता है, फंक्शंस जो है वो सिमिलरली रहते हैं. सो दीज आर होमोलॉगस कैरेक्टर एंड एनालॉगस कैरेक्टर्स. इन्हीं कैरेक्टर्स की हेल्प से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस कर सकते हैं कि अगर हमें बिल्डअप प्लान सिमिलर दिख रहा है, फंक्शन डिफरेंट दिख रहे हैं तो हम होमोलॉगस कैरेक्टर्स के बेसिस पे इवोल्यूशन ट्रेस कर सकते हैं. अगर हमें फंक्शन सिमिलर दिख रहा है, बिल्डअप प्लान डिफरेंट दिख रहा है तो हम इन चीजों के बेस पे एनालॉगस कैरेक्टर्स के बेस पे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ट्रेस कर सकते हैं. सो दीज आर हेल्पफुल फॉर ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. नेक्स्ट थिंग, होमोलॉगस कैरेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट टूल टू फाउंड अप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. अब इन दोनों में से भी इम्पोर्टेंट कौन सा वाला है? तो इट इज होमोलॉगस कैरेक्टर्स जिनका बिल्डअप प्लान सेम है, फंक्शन डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि जब बिल्डअप प्लान सेम है, फंक्शन डिफरेंट है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि दोनों के, क्योंकि बिल्डअप प्लान सेम है, दोनों के जो ऑर्गन्स है वो सेम ही ऑरिजिन हो रहे हैं बट फंक्शन डिफरेंट हो गए, तो फंक्शन डिफरेंट का बेसिस ये रखते हैं कि शायद उनको हैबिटेट डिफरेंट मिल गया. मतलब दो ऑर्गेनिज्म जब एक जैसी बॉडी के हैं तो उसी बॉडी में एक दूसरा फंक्शन कर रहा है, एक दूसरा फंक्शन कर रहा है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि
हैबिटेट डिफरेंट मिल गया, दैट मीन्स उसको रहने की जगह अलग मिल गई। और जब रहने की जगह अलग मिल गई, हैबिटेट डिफरेंट मिल गया, तो डिपेंड अपॉन हैबिटेट उसके स्ट्रक्चर के फंक्शन में डिफरेंट आ सकता है। कोई अपने उस ऑर्गन को किसी दूसरे वर्क के लिए यूज कर रहा है और दूसरा ऑर्गेनिज्म उसी सेम ऑर्गन को दूसरे वर्क के लिए यूज कर रहा है, पर दोनों का बिल्डअप प्लान सेम है। तो हम होमोलॉगस कैरेक्टर्स को ज्यादा कंसिडर करते हैं और ये इम्पोर्टेंट टूल है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप इवोल्यूशन के थ्रू है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हॉर्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, तीनों की ऑर्गेनिज्म के पास में लेग्स प्रेजेंट होते थे, हैव लेग्स, बट लेग्स ऑफ हॉर्स एंड बर्ड्स आर होमोलॉगस ऑर्गन्स। इन दोनों का बिल्डअप प्लान सिमिलर होता है एंड फंक्शंस डिफरेंट होता है, दैट मींस कि इन लोग के जो लेग्स है इनको होमोलॉगस कैरेक्टर या होमोलॉगस ऑर्गन हम बोल सकते हैं। दैट मींस कि ये दोनों तो सेम है बट इंसेक्ट के लेग्स से कहीं भी रिसेंबल नहीं कर रहे, डू नॉट रिसेंबल लेग्स ऑफ इंसेक्ट। अब इस केस में क्या होता है, हॉर्स एंड बर्ड मोर क्लोज दैन इंसेक्ट। हम तीन के बीच में पता कर लेते हैं, हमारे पास हॉर्स था, हमारे पास बर्ड्स थे एंड हमारे पास ऑल्सो इंसेक्ट्स थे, और हम तीनों के हमने कॉमन चीज निकाली क्या, लेग्स। लेग्स के बेसिस पे हमने जब इनको डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया तो हॉर्स एंड बर्ड्स कैसे निकले, होमोलॉगस, बट इंसेक्ट होमोलॉगस नहीं था, दैट मीन्स कि इनका बिल्डअप प्लान सेम नहीं था। तो इस वजह से हमें इस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्या पता चला कि हॉर्स एंड बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, दैट मीन्स कि इनके क्लोज कॉमन एंसेस्टर्स प्रेजेंट है बट इंसेक्ट के इन दोनों के एंसेस्टर्स के मुकाबले क्लोज कॉमन एंसेस्टर्स नहीं थे। इसके केस में एंसेस्टर्स कैसे हो गए, डिस्टेंट कॉमन एंसेस्टर्स, क्यों, क्योंकि लेग्स तीनों में ही है, मतलब कॉमन एंसेस्टर्स तीनों के ही है, बट बात सिर्फ इसमें हो रही क्लोज में और डिस्टेंट में, इन दोनों क्योंकि होमोलॉगस कैरेक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं इन दोनों में, दैट मीन्स इनके क्लोज कॉमन एंसेस्टर्स प्रेजेंट है, बट क्योंकि इंसेक्ट के कैरेक्टर जो है वो होमोलॉगस नहीं है, दैट मीन्स इसमें डिस्टेंट जो है वो कॉमन एंसेस्टर्स प्रेजेंट है। नाउ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को जो हम स्टडी करते हैं, जो हम उसके इवोल्यूशन के बारे में पता करें, दिस इज नोन एज फाइलोजेनी। फाइलोजेनी बोला जाता है जो भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। लेट्स क्विकली रिवाइज इट, पहली बार ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दैट मीन्स ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशन का रिलेशनशिप ट्रेस करना, इसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू ग्रुप्स एट द लेवल ऑफ देयर एंसेस्ट्री, उनके पूर्वजों के बेसिस पे उन दोनों ग्रुप्स में कितनी क्लोजनेस प्रेजेंट है इसको रिफर करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसमें दो केसेस होते हैं, पहला केस ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर इन नेचर ऑफ कैरेक्टर्स, जिनके कैरेक्टर्स सेम है, दैट मीन्स उनके क्लोज कॉमन एंसेस्टर्स है, और जब क्लोज कॉमन एंसेस्टर्स है दैट मीन्स कि उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्लोज है। सेकेंड केस क्या होता है, जिसमें लेस सिमिलरिटीज होती है, जिसके कैरेक्टर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं होते, जब कैरेक्टर्स एक दूसरे से ज्यादा सिमिलर नहीं होते तो उनके रिलेशनशिप वीक होते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन बहुत वीक होता है, एंड जब वीक रिलेशनशिप होता है दैट मीन्स यहाँ पर डिस्टेंट कॉमन एंसेस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास दो टाइप के सिस्टर्स आ चुके हैं, क्लोज कॉमन एंड डिस्टेंट कॉमन, है दोनों ही कॉमन। इसके लिए हमें और फर्दरली अच्छे से जानने के लिए हम होमोलॉगस एंड एनालॉगस कैरेक्टर्स स्टडी करते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन में क्या होता है, बिल्डअप प्लान जो सेम होता है दोनों का बट फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, और एनालॉगस में फंक्शन सेम होते हैं पर बिल्डअप प्लान डिफरेंट होता है। तो हम ज्यादा इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंट टूल फाइंड आउट करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में वो हम कंसिडर करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स को, क्यों, क्योंकि इनका बिल्डअप प्लान सेम है, और जब बिल्डअप प्लान सेम है दैट मीन्स दोनों के पास ही लेग्स प्रेजेंट है, अब किसी के लेग्स कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करे, किसी के लेग्स कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करे, तो फिर हम क्राइटेरिया क्या रखते हैं कि शायद इनका हैबिटेट चेंज हो गया होगा, रहने की जगह चेंज हो गई होगी, इस वजह से इनके फंक्शन में डिफरेंस आ गया है। तो हम इस बेसिस पे होमोलॉगस कैरेक्टर्स को ज्यादा जो है क्लोजली रिलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट टूल कंसीडर करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए। इसको हम एक एग्जाम्पल और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हॉर्स बर्ड्स इंसेक्ट्स तीनों के पास ही लेग्स होते हैं, पर जो हॉर्स के लेग्स होते हैं और जो बर्ड्स के लेग्स होते हैं वो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं, होमोलॉगस कैरेक्टर होते हैं, दैट मीन्स उनका बिल्डअप प्लान सेम होता है बस फंक्शन डिफरेंट होता है। तो इस वजह से जो है हॉर्स एंड बर्ड को मोर क्लोजली रिलेटेड पाया जाता है देन इंसेक्ट, दैट मीन्स रिलेशनशिप तीनों में ही प्रेजेंट है
बट बॉयज एंड गर्ल्स के सिस्टर्स कैसे हैं? क्लोज फॉर्मेलिन सिस्टर्स. बाकी इनसे अगर रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये निकलेगा डिस्टेंट कॉमन एंसेस्टर. और जो स्टडी होती है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करते हैं इट इज कंसीडर्ड एज फाइलोजेनी. सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप इंस्टीट्यूशन एंड आई विल कंटिन्यू माय चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. कल भी मैंने अपने वीडियो में इसी में डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का एक टॉपिक क्लियर किया था, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स. जो मैंने बताया कि किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है वो सोशल डिविजन्स के साथ में उस पर इफेक्ट करती है. इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैड ऑलरेडी टॉक्ट यू अबाउट द टू एग्जाम्पल्स लाइक नदन आयरलैंड जहाँ पर कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स थे एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज यूगोस्लाविया जहाँ पर एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन था पॉलिटिकल पार्टीज में जिसने यूगोस्लाविया को क्या किया था सेवन स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था. और जो नदन आयरलैंड का जो एग्जाम्पल था उसमें जो रिजल्ट निकल कर आया वो था एक प्री स्किटी जो 1998 में हुई. इसी टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे थ्री डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल आउटकम्स. अब जो पॉलिटिकल आउटकम क्या निकल कर आते हैं वो हम आपको अभी यहाँ पर बताएंगे. फर्स्ट हमारा पॉइंट है पीपल परसेप्शन अबाउट देयर आइडेंटिटीज. सबसे बड़ी चीज इसमें डिपेंड करता है कि पीपल्स का जो परसेप्शन है उनकी आइडेंटिटीज का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी लीडर है अगर वो अपना एक सिमिलर और एक्सक्लूसिव लेकर चलता है कि किसी एक जो है वो ग्रुप को वो सपोर्ट करता है या किसी एक पे जो है वो पर्सन को वो सपोर्ट करता है तो ये प्रॉब्लम्स करते हैं और ये बहुत डिफिकल्ट होता है अकोमोडेट करने के लिए. तो हमें क्या चाहिए कि हमें एक सिंगुलर और एक्सक्लूसिव आइडेंटिटीज को बनाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को एक सिंगल आइडेंटिटी बना के नहीं चलना होता है. अगर उसकी जगह वो एक मल्टीपल और कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन लेके चलता है अगर वो मल्टीपल मतलब कि सिर्फ एक ग्रुप के बारे में मतलब कभी कभी क्या होता है जो लीडर्स होते हैं वो सिर्फ मेजॉरिटी के बारे में सोचते हैं. जो माइनॉरिटीज हैं हमारे यहाँ जैसे हमारे मुस्लिम्स हैं शेड्यूल कास्ट हैं या ओबीसीज हैं इन माइनॉरिटीज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी जो जो है उनकी डिमांड्स होती हैं वो हमको नहीं देखते. तो उससे क्या होता है जब हम सिंगुलर और एक्सक्लूसिव होते हैं तो वो एकोमोडेट करने में हमें बहुत डिफिकल्टी होती है. बट अगर हम मल्टीपल और कॉम्प्लीमेंट्री होकर चलते हैं देन सिचुएशन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर भी होती हैं और ईजियर हो जाती हैं किसी भी सोसाइटी के या किसी भी नेशन के पॉलिटिक्स को आगे चलाने के लिए. सेकेंड थिंग क्या आती है कि रोल ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स. जो दूसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है वो पॉलिटिकल लीडर का रोल होता है कि वो किस तरीके से उस सोसाइटी में अपने इलेक्शन के पहले जो है वो किस तरीके से उस सोसाइटी को जो है मैनेज करना है. सबसे पहले कि किस तरीके से वो हाउ रेज द डिमांड्स ऑफ द कम्युनिटी. जिस भी कम्युनिटी को होता क्या है जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पर उन वीक ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं जिन वीक ग्रुप से उनको क्या होता है वोटिंग की चांसेस होते हैं क्योंकि वो अपनी वोटिंग के लिए जो है वो किसी भी वीक ग्रुप की डिमांड्स को उनकी प्रॉब्लम्स को रेस करते हैं. तो ये उस पर डिपेंड करता है कि हाउ रेस डिमांड्स ऑफ द कम्युनिटी कि वो किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को कितना ज़्यादा रेस कर रहे हैं कितना ऊपर उठा रहे हैं कितना वो उसका ध्यान गवर्नमेंट की तरफ ला सकते हैं. और इससे क्या होता है कि इफ डिमांड्स आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. और दूसरी चीज़ है कि जो भी डिमांड होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही होनी चाहिए. अगर वो डिमांड्स अलग जा रही है किसी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो ब्रेक कर रही है तो वो डिमांड्स उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट के पास तक ना पहुँचेंगी और ना उसका उतना ज़्यादा जो है वो हमें इफेक्ट मिलेगा. तो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से अपने कम्युनिटी की डिमांड को रेस कर रहे हैं. एंड थर्ड इज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट. फिर इसके बाद लास्ट चीज आती है कि गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड हो रहा है उस पॉलिटिकल डिवीजन का या उस सोशल डिवीजन का या पॉलिटिक्स में जो डिवीजन हमारा जो है वो मर्ज हो रहा है उसका एटीट्यूड क्या है गवर्नमेंट का. उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी डिमांड्स जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स रखते हैं उसके ऊपर वो जो गवर्नमेंट है वो रिएक्ट कैसे कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिएक्ट का मतलब ये है कि अगर हमने अपने माइनॉरिटीज़ को लेकर मतलब पॉलिटिकल लीडर्स माइनॉरिटीज़ को लेकर अगर कोई जो है वो बात किसी के सामने रख रहे हैं पहले उनके अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए अगर उन्होंने अपनी बात को अपनी डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रखा तो गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं चीज़ों को मानती है जिसमें मेजॉरिटीज़ हैं जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होता है
वो उसी पर रिएक्ट करती है। किसी एक सोशल ग्रुप को या किसी एक सोशल जो है वो कम्युनिटी को बिलोंग गवर्नमेंट ही करती है। तो थर्ड जो हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स है वो क्या है, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है। एंड नाउ द कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी चैप्टर में हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो मैं आपको ये बता रही थी कि डेमोक्रेसी, हमको सबसे पहले यहाँ पर ये क्लियर करा था मैंने कि डेमोक्रेसी क्या है और डाइवर्सिटी क्या है। अब जब हम इस चैप्टर का कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, कंक्लूजन का मतलब है कि हमने पूरे चैप्टर में, जैसे कि हमने स्टार्ट करा था मैक्सिको ओलंपिक की स्टोरी से, देन हमने आपको सोशल डिवीजन, सोशल डिफरेंसेस एंड सोशल डाइवर्सिटी को क्लियर किया था, उसी के साथ साथ अब हम लास्ट जब कंक्लूजन करने जा रहे हैं, हाँ फिर हमने ये बताया कि किस तरीके से सोशल डिवीजन जो है उसका पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट होता है, कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट होता है और क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब इसी में हम आगे कंटिन्यू जब इसके कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, तो हम ये बताएंगे कि किस तरह से जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक बेस्ट वे होती है किसी भी डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसको अकोमोडेट करने के लिए। तो नाउ इन द कंक्लूजन द फर्स्ट पॉइंट, द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज वेरी नॉर्मल। जब हम डेमोक्रेसी में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो होता है सोशल डिफरेंसेस का, मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप्स का, क्योंकि हम सोशल डिफरेंस का मतलब किसी भी सोसाइटी का अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होना। तो जो डेमोक्रेसी होती है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होती है सोशल डिफरेंसेस को बहुत ही नॉर्मली और बहुत ही हेल्दी बनाने के लिए और अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। तो दैट इज द फर्स्ट कंक्लूजन। एंड द सेकेंड इज इट कैन बी वेरी हेल्दी। हाँ, जैसे मैंने बताया कि बहुत नॉर्मल एक्सप्रेशन और बहुत ही हेल्दी एक्सप्रेशन हम डेमोक्रेसी के माध्यम से दे सकते हैं। सेकेंड है द वेरियस ग्रुप्स एक्सप्रेस दियर प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ही ये पॉसिबल होता है कि जितने भी वेरियस ग्रुप्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हों, जैसे विमेन्स हैं, या फिर माइनॉरिटी में जैसे आपके शेड्यूल कास्ट आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स आती हैं, एंड जो है वो OBCs आते हैं, तो ये जितने भी वेरियस ग्रुप्स होते हैं माइनॉरिटी के, वो अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली और हेल्दी तरीके से, नॉर्मली तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन भी है और साथ साथ में वेरियस ग्रुप्स भी अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करते हैं। द थर्ड इज सोशल डिफरेंसेस लीड टू अ अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज और इनजस्टिस। अब इसमें क्या है कि जो सोशल डिफरेंस होते हैं वो उनकी वो इनइक्वालिटीज और इनजस्टिस जो भी किसी भी ग्रुप के साथ में अगर हो रहा है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी क्या, सबसे पहले जो चैप्टर में हमने बताया कि डेमोक्रेसी क्या कहती है, इक्वालिटी, क्योंकि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड लाइक दैट। तो डेमोक्रेसी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ओनली वन थिंग, दिस इज यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी, कि हमारे पास राइट टू वोट है। तो डेमोक्रेसी कहती है इक्वालिटी। तो हम डेमोक्रेसी में ही जो है वो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस किसी के साथ ना हो, ये भी एक हमारा इसमें कंफ्यूजन निकल कर आता है। एंड द लास्ट, द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू रिकॉग्नाइज एंड ऑल्सो एकोमोडेट डाइवर्सिटी। तो एक जो डेमोक्रेसी है वही एक बेस्ट वे है किसी भी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए। तो दैट इज द ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड द चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश्ड, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, एंड यू राइट नोट्स विद द हेल्प ऑफ PDF फाइल विच आई सेंट यू विद दिस वीडियो। थैंक यू। पाठ हुआ लेखक का नाम लिखिए या संदर्भ लिखिए।
तो देखिए संकेत के पैराग्राफ हमारे देश में दिखा रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ में ये उसका संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकेत, शीर्षक का नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। शीर्षक से उद्धृत किया गया है, इसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों देखिए इस पैराग्राफ में रेखांकित अंश की व्याख्या, मैं संपूर्ण पैराग्राफ की व्याख्या आपको पढ़ाती हूँ। देखिए प्रस्तुत इसमें हमारे देश में ये यहाँ से संकेत शुरू है, तो इस निर्जीव चांद को, इस निर्जीव चांद को किसी कवि ने या लेखक ने रात्रि का पति अर्थात उसका स्वामी माना। फिर से सुन लें, इस निर्जीव चांद को किसी कवि या लेखक ने रात्रि का पति अर्थात उसका स्वामी माना है। किसी कवि ने उसे रात्रि की देवी कहा है। कवि विरह व्यथित नायिका ने अपने प्रियतम के पास संदेश भेजने के लिए उसे दूत बनाया, तो किसी ने उसका पीलापन देखकर उसे दुखी बूढ़ा तथा दुर्बल माना। एक बार पुनः सुने रेखांकित अंश की व्याख्या, इस निर्जीव चांद को किसी कवि या लेखक ने रात्रि का पति अर्थात उसका स्वामी माना है और किसी कवि ने उसे रात्रि की देवी कहा है। कवि गृह व्यथित नायिका ने अपने प्रियतम के पास संदेश भेजने के लिए उसे दूत बनाया, तो किसी ने उसका पीलापन देखकर उसे दुखी बूढ़ा और दुर्बल बनाया। अब बच्चों इसका ग नंबर का प्रश्न है, राम और कृष्ण चंद्रमा के लिए क्यों हट करते हैं, उनके हट को कैसे शांत किया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर देखिए। गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसीदास के श्री राम और सूरदास के श्री कृष्ण चंद्रमा को खिलौना समझकर उसे पाने की बार बार जिद करते रहे। उनकी जिद को पूरा करने के लिए थाली में पानी रखकर उसने चांद का प्रतिबिंब दिखाकर उन्हें शांत किया जाता था। बच्चों फिर से देखिए ग नंबर के प्रश्न का उत्तर, कवि गोस्वामी तुलसीदास के श्री राम और सूरदास के श्री कृष्ण चंद्रमा को खिलौना समझकर उसे पाने की बार बार जिद करते रहे। उसकी जिद को पूरा करने के लिए थाली में पानी रखकर उसने चांद का प्रतिबिंब दिखाकर उन्हें शांत किया जाता था। अब बच्चों दूसरा पैराग्राफ आता है, अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ाने होंगी, तो इसमें देखिए इसका संकेत संदर्भ यही रहेगा, इसका संकेत बदल जाएगा। इसका संकेत बदल जाएगा, संकेत होगा अभी चंद्रमा के लिए आइए।
रेखांकित अंश में मनुष्य जिज्ञासु प्राणी, उसकी जिज्ञासा उसे नित नए तथ्य जानने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए, ये जो पैराग्राफ चल रहा है, मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, उसकी जिज्ञासा उसे नित नए जानने के लिए प्रेरित करती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर लेखक कहता है कि मनुष्य ने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा के तल पर अपने कदम रखकर भले ही उसके कुछ रहस्यों को समझ लिया हो, उसके रहस्यों को जान लिया हो, पर मनुष्य इतने से शांत नहीं होगा। वह चंद्रमा के विषय में और अधिक जानने के लिए बार बार उड़ाने भरेगा। यह पृथ्वी मानव के लिए एक पालने के समान है, वह हमेशा के लिए इसकी सीमा में बनकर नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह कहां तक पहुंचेगा कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। बच्चों फिर से रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसकी जिज्ञासा उसे नित नए तथ्य जानने के लिए प्रेरित करती है। इसी तत्व को ध्यान में रख करके लेखक कहता है कि मनुष्य ने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा के तल पर अपने कदम रखकर भले ही उसके सब रहस्यों को समझ लिया हो, जान लिया हो, पर मनुष्य इतने से शांत होने वाला प्राणी नहीं है। वह चंद्रमा के विषय में और अधिक जानने के लिए बार बार उड़ाने भरेगा। यह पृथ्वी मानव के लिए एक पालने के समान है। जिस प्रकार पालने में जब किसी बच्चे को लिटा दिया जाता है तो आराम से उसमें खेलता है, रहता है, उसी तरह से मनुष्य के लिए यह पृथ्वी एक पालने के समान है। अज्ञात की खोज में वह कहां तक पहुंचेगा ये कोई नहीं जान सकता, ये कोई नहीं बता सकता। अब इसमें बच्चों ग नंबर का प्रश्न है, लेखक ने चंद्र अभियानों के आगामी प्रयत्नों के बारे में क्या लिखा है। मैं प्रश्न को दोबारा रिपीट करती हूँ, लेखक ने चंद्र अभियानों के आगामी प्रयत्नों के बारे में क्या लिखा है। देखिए लेखक कहता है कि मनुष्य चाहता है कि अंतरिक्ष में निरंतर घूमने वाला कोई स्टेशन स्थापित हो जाए। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के अनेक अनसुलझे रहस्यों को जानने समझे और जानने समझने में उसे काफी मदद मिलेगी, उसे काफी सहायता मिलेगी। बच्चों ग नंबर के प्रश्न को फिर से देखिए, लेखक कहता है कि इस पृथ्वी का मानव चाहता है कि अंतरिक्ष में निरंतर घूमने वाला कोई स्टेशन स्थापित हो जाए। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के अनेक अनसुलझे रहस्यों को जानने समझने में काफी मदद मिलेगी। बच्चों ये आप तीनों पैराग्राफ होमवर्क की कॉपी में इसकी व्याख्या करेंगे। और देखिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, मैं आपको रिटेन होमवर्क दे रही हूँ, ध्यान से इसको नोट करें। उपसर्ग और प्रत्यय आपको याद करना है। ये होमवर्क हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय याद करें, ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। माइसेल्फ प्राची त्रिवेदी, योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस क्लास आई डिस्कस
the formula of sphere, how we find the volume and total surface area and curved surface area of sphere and hemisphere. Okay, today we are discuss about the cone, how we find the volume and curved surface area and total surface area of cone. Okay, the chapter is surface area and volume. Now let's draw the diagram of cone. Okay, let R is the height, R is the radius of the base of cone, and H is the perpendicular height, and L is the slant height of the cone. Okay, now first volume of cone. Volume of cone is equals to 1/3 pi r² h. Okay, where pi is equals to 22/7. Next, the curved surface area. Curved surface area of cone is equals to pi r n, where r is the slant height. Now, how we find l? L is the slant height, and how we find the l? Then in this is O A B. Okay, in triangle B O A, angle B O A is 90 degree. If angle B O A is 90 degree, it means L is the hypotenuse of the triangle. Then L square is equals to H square plus R square. Then we can calculate the L. L is equals to under root H square plus R square. Okay. Now students, the total surface area. Total surface area of cone. Total surface area means curved surface area plus area of base. And here the base is in the form of circle. Means total surface area means curved surface area plus area of base. And curved surface area is pi r l, and area of base is pi r square. Pi r, then l plus r. Okay, with the help of this formula we can find the total surface area of cone. The formula is pi r bracket l plus r. Now student, the question is, a toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere of radius 3.5 cm. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area and volume of the toy. Now, firstly draw the diagram of cone. A cone is mounted on a hemisphere. Okay? Now, here the total height is 15.5. Means this is 15.5 centimeter. And the radius is 3.5 centimeter, means 3.5. Students, if this is the radius, then it is also a radius, means it is also 3.5. Okay? Then, if we can write, let's see the solution. OA, draw the center. OAB. Okay, and draw it. This is C. Okay, students. Now OB
द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर. रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड रेडियस ऑफ कोन इज ऑल्सो ओबी. ओबी इज 3.5 सेंटीमीटर विच इज नोटेड बाई स्मॉल आर. ओके, नाउ द हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन एच विच इज ओ सी इज इक्वल्स टू, हाइट ऑफ कोन ओ सी इज इक्वल्स टू 15.5 माइनस 3.5 विच इज 0.12 सेंटीमीटर. मीन्स हाइट इज 12.0 सेंटीमीटर, मीन्स 12 सेंटीमीटर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स फर्स्टली वी ड्रॉ द स्लैंट हाइट एन. ओके, एज वी नो दैट एन इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. पुट द वैल्यू एच, एच इज 3.5 मीन्स 7/2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर. वेन वी सॉल्व इट, इट बिकम 49/4 प्लस 144. ओके, नाउ आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी गेट 25/2 सेंटीमीटर. दिस इज स्लैंट हाइट ऑफ द कोन. नाउ स्टूडेंट्स फर्स्टली फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम. फॉर टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू कर्व सर्फेस एरिया, कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर, ओके, कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल एंड कर्व सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr². ओके, पाई आर इट बिकम एल प्लस 2r, एल प्लस 2r. ओके, पाई इज 22/7, आर इज 7/2, एल एल इज 25/2 प्लस 2 × 7/2. ओके, सॉल्व इट, इट बिकम 11 एंड 25/2 प्लस 7. ओके, देन 11 × 25 प्लस 14. ओके, देन इट बिकम 11 (9, 39/2). व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द टॉय. नाउ स्टूडेंट्स फॉर वॉल्यूम, द नेक्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय. वी नो दैट फॉर द वॉल्यूम ऑफ टॉय वी फर्स्टली वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, देन वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 2/3 πr³. ओके, 1/3 πr² इज कॉमन, इट बिकम h प्लस
आर. ओके, 1/3 पाई इज 22/7 एंड आर आर इज 7/2 3.5. एक्चुअली आर इज 3.5 एंड वी कैन राइट 3.5 इज इक्वल टू 7/2 बिकॉज इट इज होल स्क्वायर देन 7/2. एच एच इज 12. हियर द एच इज 12. ओके, 12 + 2 इंटू 7/2. नाउ स्टूडेंट्स कैलकुलेट इट वी 77/6 3 × 2 = 6 एंड 12 + 7. ओके, मीन्स 77/6 एंड 19. ओके, नाउ कैलकुलेट इट वी फाइंड द 243.83 सेंटीमीटर क्यूब. This is the volume of toy. For the volume of toy, we calculate the volume of cone plus volume of hemisphere and add it. You can find it. So, in the next question is, a solid toy is in the form of a right circular cylinder with a hemisphere shape at one end and a cone at the other. Their common diameter is 4.2 cm and the height of the cylinder and conical portion are 12 cm and 7 cm respectively. Okay, find the volume of solid toy. Okay, now firstly we draw the diagram. This is a cylinder shape. Okay, at one end it is hemisphere and at one end is in the shape of conical. Okay, now the diameter, the common diameter is 4.2. If the diameter is 4.2, then radius is 2.1. It means radius is 2.1. This is also radius, which is 2.1. And student, this is also radius, and it is also 2.1. Okay. Now the height of cylinder portion, and conical portion. Cylinder portion is 12, and conical portion is 7 cm. Okay, then find the volume of solid toy. Now let's see the solution. For the volume of toy, volume of toy, volume of cone plus volume of cylinder, plus volume of hemisphere. Okay, students. Now put all the formulas. We know that volume of cone is 1/3 pi r square h plus volume of cylinder is pi r square h plus volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. Okay, now 1/3 pi r square take common, it become h plus 1/3 h/3. Here h plus 2/3 r. Okay, now put the value pi, which is 22/7. R is 2.1 into 2.1
एच. नाउ स्टूडेंट्स हियर दिस इज एच. हाइट ऑफ कोन इज एच एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज लेट एच डैश. ओके देन डोंट बी कंफ्यूज. हाइट ऑफ कोन इज एच विच इज 7 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज एच डैश विच इज 12 सेंटीमीटर. ओके नाउ 7/3 प्लस 12 प्लस 2/3 इंटू 2.1. ओके नाउ स्टूडेंट सॉल्व इट. इट बिकम 0.3. 22 इंटू 2.1 इंटू 0.3 दिस इज 7.3 प्लस 12 एंड 0.7 प्लस 41.4. ओके स्टूडेंट्स हियर वी टेक एलसीएम 3 देन इट बिकम 7. 12 थ्री जर 36 प्लस 14 थ्री जर 4.2 बिकॉज इट इज 1.4. ओके नाउ व्हेन वी ऐड दिस इट बिकम 47.2. व्हेन वी कैंसिल आउट दिस इट बिकम 0.1. ओके नाउ मल्टीप्लाई दिस 22 इंटू 2.1 इंटू 0.1 इंटू 47.2. ओके सो मल्टीप्लाई इट वी गेट द आंसर विच इज 218.064 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टॉय. ओके teacher of Shivaji Group Institution. I am going to explain the chapter is magnetic effect of current of bus and electricity. Now I am explaining magnetic effect of current. Magnetic effects of current. Also, I am telling you what is magnetic effect of current. Magnetic effect of current. When a current flow in the conductor produces a magnetic field from concentric circle around the conductor. Its process is called magnetic effect of current. Now, today topic is right hand thumb rule. Right hand thumb rule. What is right hand thumb rule? Right hand thumb rule is used to find out the direction of magnetic field by current carrying conductor. Now I repeat, right hand thumb rule is used to find out the direction of magnetic field by current carrying conductor. Let I explain by diagram. This is a conductor. Now flow a current is I. Then this conductor is produced a magnetic field concentric circle around the conductor like center. Now direction of magnetic field depends on direction of current carrying conductor. Current carrying conductor direction of electric current. Now magnetic field direction is depend magnetic field direction is depend direction of electric current. Now blue to above above to blue. Now this is two conductor A and conductor B. Now direction of current above and blue. Now, what is direction of magnetic field? Direction of magnetic field, then we know that a current carrying conductor produces a magnetic field from concentric circle. This is
concentric circle. But what is direction of concentric circle? Clockwise and anti-clockwise. This is clockwise or this is anti. Now this is anti-clockwise or this is clockwise. Direction of magnetic field clockwise and anti-clockwise is depend on direction of current in the conductor. Now I am explaining right hand thumb rule. What is right hand thumb? Right hand thumb rule is used find out the direction of magnetic field in current carrying conductor. Look at this is a conductor PQ. Now direction of electric current above to below P to Q. Direction of electric current from point P to point Q above to below. Now right hand thumb rule. How to use right hand thumb rule? Look at like it. Now right hand thumb rule. We can imagine this is a conductor. This is a conductor. If the current direction blow to above. Now use to right hand thumb rule. Hold the conductor in the right hand. Now always thumb along the direction of electric current. Now always thumb along the direction of electric current. Electric current direction above to blue and thumb point in the direction of electric current. Electric current always thumb of right hand point in the direction of electric current. Now folded finger so the direction of magnetic field MF. Full form is magnetic field D. Direction of magnetic field. Folded finger. So the direction of magnetic field and thumb. So the direction of electric current. Now hold a current carrying conductor. Hold a current carrying conductor. Conductor in the right hand. If this is a conductor. This is a conductor. Hold a current carrying conductor in the right hand. Okay? But also confirm what is direction of electric current. If direction of electric current above to low. Now if direction is above to low, now use to right hand thumb. Hold the current carrying conductor. This is right form? No. This is right form. Why? Current direction is above to blue. Thumb always point the direction of current carrying conductor. Means current, electric current in the conductor. Now thumb always point in the direction electric current. Now this is that thumb indicate the direction of electric current, then folded finger so the direction of magnetic field. Then look at this is conductor. The current direction is above to blue. Now hold the current carrying conductor in the right hand, then thumb point in the direction of electric current, then folded finger. So the direction of magnetic field. Now this is direction of magnetic field.
according to folded finger, according to the direction of magnetic field, according to folded finger, anti-clockwise in the conductor. Anti-clockwise. If the current direction blow to above, how to use right hand thumb? If the electric current blow to above in the conductor, now use to right hand thumb. Then hold the current carrying conductor in this step. Now thumb indicate the direction of electric current which flow in the conductor blow to above. Now thumb is indicate and so the direction of electric current and folded finger so the direction of magnetic field. Look at thumb point in the direction of electric current. Now folded finger so the magnetic field direction. This is magnetic field concentric circle around the conductor. Anti-clockwise. This is anti-clockwise. Now the direction of magnetic field in the figure according to direction of electric current. Now concentric circle clockwise. Why? This is conductor, the current direction about to blow. Now use to right hand thumb rule. Then how to use thumb? Always point in the direction of electric current. What is direction of electric current in the conductor? Above to blow. Now thumb used to direction of electric current, then blow. Okay, and folded fingers show the direction of magnetic field clockwise. Now then what is right hand thumb rule? Hold a current carrying conductor in the right hand such the thumb show the direction of electric current, and then folded finger show the direction of magnetic field. When hold a current carrying conductor in the right hand such that the thumb show the direction of electric current. Direction of electric current about to blow. Now folded finger show the direction of magnetic field. Then right hand thumb rule such hold a current carrying conductor in the right hand such that the thumb show the direction of electric current, then the folded finger show the direction of magnetic field. Now good morning students, today we are going to complete our chapter Socrates and the second part. Last part of the chapter is going through, and here we are going to tell you the story of a great person Socrates, who was born before 400 BC of Jesus Christ, birth of Jesus Christ, and he became a great philosopher of the world. In the second part of the story, we came to know that Socrates had become famous far and wide for his knowledge and for his philosophy. People interested and delighted his wisdom, and they were desirous to meet Socrates. Socrates told his people, there was a gathering of a group which were called pupils of a disciple of Socrates, and they followed what the guru, what their master said. Socrates told the young men of Athens that there are some nobler deeds who is more important rather than sacrifice
पेइंग ऑफर टू गॉड्स ऑफ पीस। ईश्वर से भी, ईश्वर को खुश करने के लिए बलि देने से ज़्यादा भी दुनिया में कुछ नॉबलर और आइडल वर्क हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। बट दिस थिंग डिड नॉट लाइक बाई गवर्निंग बॉडी ऑफ एथेंस, दे समन सॉक्रेटिस एंड दे पुट अ ट्रायल अगेंस्ट सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस वॉज ब्लेम्ड दैट ही इज मिसलीडिंग द यंग जनरेशन ऑफ एथेंस एंड ही इज गोइंग टू फील डाउट्स इन देयर माइंड रिलेटेड विद गॉड एंड रिलीजन एंड फॉर दिस पर्पज द ट्रायल वॉज पुट अगेंस्ट सॉक्रेटिस। Socrates reached the court and he made a powerful dignified speech based on human life. Judges listened him and questioned him. Let us start our story. The judges listened to him. Judges ne uske us powerful sparkly speech ko suna, questioned him, usse questions ke condemned him to death, yani usse cross question ke और फाइनली उसको मौत की सजा सुनाई। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई भी शिकायत उस गवर्निंग बॉडी के अगेंस्ट नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वो अपनी स्टिक पर लीन बने झुका हुआ खड़ा रहा। राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम लुकिंग राउंड, देखते हुए, इसको देखते हुए द क्राउडेड कोर्ट रूम भीड़ से भरा न्यायालय कक्ष। Plato and his other pupils were there in court all the time. उसके जो disciples थे, उसके जो pupils थे, जिनमें सबसे main था Plato, वो और other disciples court room में जब तक trial चला पूरे समय मौजूद थे। No evil can happen to a good man, he told them. उसके pupils, उसके disciples बहुत दुखी थे क्योंकि उनके इतने बुद्धिमान गुरु के साथ बहुत बुरा डिसीजन लिया गया था, इसलिए वो बहुत शॉक्ड थे, दुखी थे। लेकिन सॉक्रेटिस ने उनको कंसोल किया और बताया कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, इधर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, उसके जीवन काल में भी और उसकी मृत्यु के पश्चात भी। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए प्रसन्न हो, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टू गो, मुझे अब जाना है, मेरी जीवन यात्रा समाप्त हो रही है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे प्रस्थान का यानी दुनिया से जाने का समय, डिपार्टिंग टाइम, जाने का डिपार्चर यानी प्रस्थान, जाने का समय आ गया है। एंड वी गो अवर वेज, हमको अपने अपने रास्तों पे जाना है। व्हाट मीन बाय अवर वेज, मतलब उसको मृत्यु का रास्ता चुनना था और उसके शिष्यों को इस दुनिया में रह करके अपने गुरु के उपदेशों का, उसके विचार का, उसके थॉट्स का जो है वो दुनिया में स्प्रेड आउट करना था, फैलाना था। आई टू डाई, मुझे मरना है, एंड यू टू लिव, तुमको जीवन जीना है और इन अच्छाइयों को, इन आदर्शों को दुनिया में फैलाना है। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक अवे टू प्रिजन, टुक हिम अवे टू प्रिजन, तब सिपाही आए और उसको यानी सुकरात को जेल में ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज थ्री चिल्ड्रन, सुकरात की पत्नी और उसके तीन बच्चे उसके पीछे पीछे गए। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर आल्सो विद हिम, उसके बहुत सारे शिष्य थे जो उसे बहुत फेवरेट थे, बहुत पसंद करते थे, वो भी उसके पीछे पीछे गए। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टॉक टू हिम, लंबे समय तक सुकरात ने अपने परिवार यानी अपनी पत्नी, बच्चों और अपने शिष्यों के साथ काफ़ी लंबी बातचीत की, अपने विचारों का आदान प्रदान किया। एंड दे टॉक टू हिम, उन लोगों ने भी सुकरात से बात की। ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स, उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने डिस्पल्स को बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन यानी बहुत सारे ज़िंदगी से जुड़े सबक सिखाए, बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षाएँ दी। विथ दे ट्रेजर्ड इन दियर हार्ट्स, जिस उपदेशों को, शिक्षा को उसके फैमिली मेम्बर्स ने और उसके पीपल्स ने अपने हृदय में खजाने की तरह सजो कर रख ली। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, लेकिन इन सब बातों के दौरान, शिक्षा के दौरान, वो परिवारजन और उसके फ्रेंड डिस्पेल सब जानते थे कि अभी उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया है। दैट सॉक्रेटिस वुड डाई सून, वो जानते थे कि सुकरात अभी जल्दी ही मर जाएंगे। दे वर सैड, इसलिए वो दुखी थे।
फॉर एस प्लेटो रोड, जैसा कि प्लेटो ने अपनी बुक में लिखा है, अपनी बुक रिपब्लिक में लिखा है, ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ हूम वी वर बींग बिलीव्ड, वह उन सब के लिए एक पिता की तरह थे, सुकरात अपने शिष्यों के लिए पिता के समान थे जिनसे उनको बिरीवमन वंचित कर लिया गया, है ना, मतलब रहित कर लिया गया था। बिरीव मतलब होता है टू लीव सैड एट द डेथ ऑफ डियर वन, किसी की मृत्यु पर जो बच जाता है, शोक संतप्त व्यक्ति रहता है, उसको बिरीव कहते हैं। तो इस तरह से उनके पिता के जाने के बाद वो शिष्य सब अपने पिता के प्यार से बिरीव वंचित हो गए थे, रहित हो गए थे। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ अवर लाइफ एज ऑफन, चूंकि उनके पिता को मृत्यु उनको गले लगाना था, मृत्यु होनी थी, तो आगे का जो उनका शेष जीवन था वो उन्हें अनाथों की तरह ही व्यतीत करना था। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, जब सूर्यास्त होने लगा और सूर्य पेड़ों के झुमुट के पीछे छिपने लगा, द जेलर केम, यानी शाम के वक्त द जेलर केम इन, जेलर अंदर आया, एंड आस्क्ड सॉक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, उसने सुकरात से कहा कि वो मृत्यु के लिए तैयार हो जाए। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब एथेंस में लोगों को मृत्यु की सजा सुनाई जाती थी, मतलब जस्ट अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट, जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, तो मृत्यु दंड देने का तरीका था कि उन्हें एक प्याला जहर पीने के लिए दिया जाता था। सॉक्रेटिस न्यू दिस, सॉक्रेटिस इस ट्रेडिशन को, सॉक्रेटिस इस सिस्टम, लीगल सिस्टम को समझता था, एंड ही नॉडेड टू द जेलर। नॉडेड माने होता है कि आप स्वीकार करने की इच्छा से सिर को हिलाए, स्वीकृत दी। सुकरात ने अपना सिर हिला के स्वीकृत दी जेलर को, हु लुक्ड एट हिम सैडली, वो जेलर जो बड़े ही उदासी भाव से सुकरात की ओर देख रहा था, उसने कहा, यू सॉक्रेटिस, तुम सुकरात, हू आई नो टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट, जिसे कि मैं जानता हूँ जो सबसे सज्जन है और सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, इस जेल में आने वाले जितने भी व्यक्ति थे उन समस्त व्यक्तियों में सॉक्रेटिस सबसे नोबलेस्ट और जेंटलेस्ट पर्सन थे, विल नॉट बी एंग्री विद मी, वो इस बात के लिए सॉरी बोलता है, क्षमा मांगता है सुकरात से कि उसके हाथों उसे जहर का प्याला दिया जाए, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी जेलर की। When I ask you to drink the poison, कि बीइंग अ जेलर, अगर मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल करूँ, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करूँ और आपको वो कप ऑफ पॉइजन दूँ पीने के लिए, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दें और उसके लिए मुझे कोई पनिशमेंट ना दे, या मेरे लिए कोई भी एक फीलिंग न रखें। फॉर अदर्स नॉट आई आर द ड्यूटी का, क्यों जेलर ने ऐसी बात कही, क्योंकि वो जानता था, उसने एक्सप्लेन किया कि इस पनिशमेंट के लिए, इस डेथ के लिए गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, जेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज ही वॉज ओनली फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ दिस अथॉरिटीज। ब्रेस्टिंग इन टू टीयर्स, आंखों से आंसू भर के, ही वेंट आउट, वो बाहर गया, एंड रिटर्न विद ए कप ऑफ पॉइजन, और एक प्याला जहर का लेकर के, जहर का भरा हुआ प्याला लेकर वापस लौटा। मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड, सेड सॉक्रेटिस, सुकरात ने कहा, हे ईश्वर, मेरी इस पृथ्वी की यात्रा से स्वर्ग तक की यात्रा को समृद्ध बनाओ, एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और अपने होठों से वो जहर का प्याला लगा लिया, यानी वो जहर पी लिया। हिज पीपल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उसके शिष्यों ने कोशिश की कि उसकी आंखों में, उनकी आंखों में आंसू ना आए, बट वन सॉब, लेकिन एक व्यक्ति सिसका, एंड सॉब डेलाउ, धीमे से, यानी धीमे से सिसकना, सुबकना, सिसकना शुरू किया, और दिस डिस्ट्रेस, बस इस सुबकने ने, इस सैड एक्सप्रेशन ने दूसरों को भी डिस्ट्रेस, मैंने परेशान कर दिया, एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विथ साउंड ऑफ वीपिंग, और जल्दी ही वह कक्ष जहाँ पर सारे उसके मित्र, शिष्य और परिवार के जन इकट्ठा थे, सभी रोने लगे। सॉक्रेटिस पॉज्ड, सुकरात रुक गए, विथ अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, अपने हाथों में जहर का अधूरा शेष बचा हुआ प्याला, जिसमें अभी जहर बाकी था, वो प्याला पकड़े हुए रुक गए, उन्होंने जहर पीना रोक दिया,
व्हाट इज दिस स्ट्रेंज नॉइज, ये कैसी विचित्र आवाज है? घी आज उसने पूछा। आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुना है कि एक मनुष्य को शांतिपूर्वक मरना चाहिए, शांति के माहौल में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुमको रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, धैर्य रखो। ही लुक अराउंड, उसने चारों ओर देखा। रिमेम्बरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए अपने एक शिष्य को आवाज दी जिसका नाम था प्लूटो। ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स, उसने अपने शिष्यों में से किसी एक को आवाज दी, धीमे से मुस्कुराकर बुलाया, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? आई ओ अ पॉप टू इकोलिबियस, मैंने इकोलिबियस से एक पॉप मैंने मुर्गा ऋण लिया था। विल यू पे दैट, क्या तुम मेरा कर्ज चुका दोगे? क्योंकि कहते हैं कर्ज के साथ मृत्यु शांति नहीं देती, तो इसलिए उसने अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि उसने एक बार जो है मुर्गा एक्विपिलस से लिया था। ये इकोलिबियस कौन थे? इकोलिबियस ये यूनान के वो सबसे पहले वैद्य थे जो किसी मृत व्यक्ति को भी जीवित करने की क्षमता रखते थे। तो इट शैल बी पेड, सेड प्लूटो। प्लूटो ने कहा ये चुकता कर दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, कुछ और भी? ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा की। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन उसे प्लूटो को कोई रिप्लाई नहीं मिला। फॉर सॉक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज देयर, क्यों? क्योंकि सॉक्रेटिस जो यूनान के सबसे अच्छे व्यक्ति थे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल योर चैप्टर एंड नाउ योर सेक्शन ए मीन्स लिटरेरी पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज कंप्लीटेड। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट सेक्शन बी मीन्स ग्रामर क्वेश्चन। ओके, हैव अ नाइस डे। Welcome to Ashay Online Classes of Chemistry. Today is the revision class of Chapter 4, Class 10, Carbon and its Compound. Students, this chapter is completed. So today is the revision class of Chapter 4, Carbon and its Compound. There are some topics which are related to board question, and these all topics are too much important for the board examination. So listen carefully. What is saponification reaction? Saponification reaction is that type of reaction where formation of soap is happening. So you can also say that the process of formation of soap is known as saponification reaction. Always positive,
react with negative part and negative, always react with positive part and make a product. So CH2, that is the positive part, so COH are combined together and make a product. 1OH, 2OH as well as 3OH. That is the formula of glycerol. And C17S35C double O, the quantity of C17S35C double O is a 3. C17S35C double O and 3Na, which is a positive part combined with negative part. And so C17S35C double O Na, which is the formula of sodium. So this reaction is known as saponification reaction. Now I'll pick the second topic, which is the esterification reaction. What is the reaction of esterification reaction and what is the process of esterification reaction? What is esterification? So formation of ester is known as esterification reaction. Formation of ester is known as esterification reaction. But that is most important question, how ester is formed. Formation of ester to ho raha hai, lekin ester aapka form kaise hoga? So known as esterification reaction. Carboxylic acid, ethanoic acid, it forms ester and water. Reaction is known as esterification reaction. CH3COOH, that is the formula of ethanoic acid, react with C2H5OH, it makes CH3COOH2H5 and water. So that is the formula of ester, that is the formula of ethyl alcohol, and that is the formula of ethanoic acid. As well as, so formation of ester is known as esterification reaction. How ester is formed? Well, ethanoic acid and ethyl alcohol both are react together, it form ester and water. Reaction is known as esterification reaction. Third topic is catenation. What is catenation? Next one topic is catenation. Students, what is catenation? Catenation is the self-linking of carbon to another atom, is known as self-linking process, and this process is also known as catenation. So most important meaning of catenation is self-linking process of carbon is known as catenation. That is a versatile property of organic compound. That is a versatile property, it means that it's a specific feature of organic compound which contains the self-linking process of carbon. What is the self-linking? For example, that is the carbon, it contains, its valency of the carbon is 4, that is why it contains 4 bonds. The possibilities of 4 bond as a single and double and triple bond like this. It contains single bond, there are 4 positions, so it is easily linked with another carbon atom, and 4 bond is also open, it also linked with another carbon atom. Fourth bond is also open. If we want to close this organic compound, then include the hydrogen, so that is the linkage
power. That is the linkage power. It means कार्बन जब भी किसी अनदर कार्बन एटम से बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, जुड़ता है, खुद से लिंक होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरेशन. कार्बन की दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज स्कैटरेशन प्रॉपर्टी. सो यू कैन इजिली से दैट सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज स्कैटरेशन. एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट टॉपिक टुडे ऑफ योर लेक्चर इज होमोलोगस सीरीज. व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? Good morning, class. Today we have learned the topic is searching. In searching, we take an array of any size and we search the array element. If element is found, then the message is found the array at that position. So, in last term, we have understand what is linear searching. Today we have understand what is binary searching, or what we understand by binary search algorithm. Binary search algorithm. In binary search algorithm, firstly we take an array which have already sorted, means
The elements are arranged in ascending or descending order. For using binary search algorithm, we follow the following steps. The first step is read the search element from the user. Firstly, we read the search element from the user. User wants to search any element, he give according to his wish. After that, firstly, we find the middle element in the shorted list. We find the middle element in the shorted list means in this array, you see the number of elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the middle element is 50. 50 is the middle element. So find the middle element in shorted list. This is the shorted list where elements are arranged in ascending order. In array 0 position, there are 10%, in first position 12%, in second position 20%, in third position 32%, in fourth position 50%, in fourth position 55%, in sixth position 65%, in seventh position 80%, and in eighth position 99 elements are present. So find the middle element in the shorted order. How we find the middle element? We take the low, this is the low, and this is the high, and we divide by 2. Low plus high divide by 2 means low is 0, high is 8. 0 plus 8 means 8, divide by 2 means 8 divided by 2 means 4. Then we find the middle element at 4 index position, 50 element is present. Then compare the search element with middle element. Then we compare the search element with middle element. If a user take element is 12, then firstly we compare 12 with middle element 50. Then we see 12 is not equal to 50, means both elements are not matched. Means both elements are not matched. If both elements are matched, if user takes 50 as element, then 50 equal to 50, then we give the message given element is found. Given element is found. If element is 50 and user takes 50, then both element 50 equal to 50, given element is found, and terminate the function. But in this case, if both elements are not matched, if we taken 12, so it is not matched with 50. So then check whether the search is smaller or larger. Then we see the element is larger than 50 or smaller than 50. 12 is smaller than 50. Then we divide the array in two parts. The first part having the element at 0 index position, there is 10%. At 1 index position, there is 12%. At 2 index position, 20 is present. At 3 index position, 32 is present. And larger elements are at 5th position, 55 element is present. At 6th position, 65 element is present. At 7th position, 80 is present.
and in its position 99 is present. So we divide our array into two parts. These two parts, the first part having lower element, lower value element than 50, and the in second array we have higher element compared than 50. If element is smaller, 12 is smaller than 50, then middle element repeat 2, 3, 4, 5. Means again we find the middle element in the shorted list. In this list, what is the middle element? 1, 2, 3, 4. So in this case, this is low and this is high. Then 4 by 2, that is 2, means first and second. Then 12 is compared with middle element, that is 12. Both are matched. So we print element found at index 1. So we print element found at index 1. If we take larger element, let us consider we take the value the user want to search element 80. User want to search element 80. How we find 80? If element larger than 2, 3, 4, 5, then we find middle here 1, 2, 3, 4. We find middle. Middle is 4, middle is 2. So we match step 1. We compare 80 compared with middle element 50, not match. 80 is larger than 50. Then search only in right sublist. The right sublist is in index position 5, 55 is present. In index position 6, 65 is present. In index position 7, 80 is present. In index position 8, 99 is present. Then the low is here and high is here. So total number of element in that array 4. We find the middle position. Then 80 is compared with 65. 80 is compared than 65. So it is not equal. 65 is not equal to 80. Then in again we goes to next element. 80 compared with 80. Then we find the element means element found at index 7. So thus we find the element at index 7. In this way we can find the element which a user want to search. So it is very simple logic to find the element with the help of binary search algorithm. Let us revise what is binary search algorithm. Firstly, read the search element from the user. Firstly, we read the search element from the user. Find the middle element. Then we find the middle element. What is the middle element? Then we go low plus high by 2. That is 8. 8 by 2, that is 4. 4 means in this array there are 9 elements. So 5th is the middle element. So middle element at 5th position, at 4th position, that is 50. Middle element is 4th position, that is 50. In 4th index position 50 is stored. So middle element is 50. Then compare the search element with middle element. If user takes 50, then 50 equal to 50, given element is found. If user not taken the value 50, he takes another value like 12, like 80, then firstly we check if both are not matched, then check whether the search element is smaller. 12 is smaller or larger than 50. 12 is smaller than 50. Then
we make two arrays. Or we divide our array in two parts. The first part having the least element and the second part having the greater value than middle element. The first array having the lesser value than middle element and the second array have the greater value than the middle element. Then firstly we check if the element is smaller than 50, then we search the element in least array, means left side array. If the element is greater than 50, then we search in right array. So we repeat the process 2, 3, 4, 5 until we find the element. If element greater than 50, then this work revise, then we repeat the steps 2, 3, 4, 5 in right array, and when the value found, we print the value, the element found at index position. So we search the element with the binary search algorithm very easily. Now we understand the code of binary search. Now let's we see the code of binary searching. Hash include stdio.h and hash include conio.h. Then we use main function, that is integer type, having return value 0, and then we open the body, that is, and declare our array, that is data type, array name, array size, data type is int, array name is num, array size is 10, then I is a variable, beginning is a variable, end is the variable, mid is the variable, position equal to -1, and value. Then firstly we use CLRSCR, that clears the output screen. Then we use printf and give a message, that is enter 10 numbers in ascending order. For entering 10 numbers, we use the for loop, that is I equal to 0, I less than equal to 10, I plus plus. This is initialization, this is condition, and this is increment. Then the value of array is scanned at num I. The first 0 digit value comes in here. Then first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. All the values are scanned. Then we give a message, enter the number to be searched. If we want to search, if we enter 10 numbers like that in an array, this is our array. This is in sorted form. We store 10 elements, and this is num 0, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. So index positions are 0 to 9, and if we want to search 7, then we scan the value 7, beginning equal to 0, end equal to 10. Then while beginning less than equal to end, mid equal to beginning plus end by 2, means in this array we find the middle element. Then check if the value of middle element is equal to num mid. If that is found, then position equal to mid plus 1, and print the position is %d value comma position. If not found, then we divide the array in two parts,
You see, in this array there are 10 elements. So there is one part and this is another part, and we divide the array in two halves and take one element as a middle element and check the value. If value is less than middle element, then we search the value here. If the value is greater than middle element, then we search in greater. So 7 is greater than 5, so we search first. In first case, 6 equal to 7, no. Then in again 7 equal to 7, then the position of percending mid plus 1, that is 7 is found at 6 position, you know, but this is the index position, so we print the position of percent D, the value is 7 and position is also 7. So you see the code of binary search and you understand how this program performs. In next term, we will understand the next topic, that is string. Okay, now class, the class is over now. Thank you.